उंगली पर अंगूठी का निशान आज भी बाकी है. मेरी गज़ल आप यूजुअली मेरी शेर जो हैं वो आपको ऐसे लगेंगे पोस्ट ब्रेकअप ट्रॉमा वाले, ठीक है. सो ऐसा है, उंगली पर अंगूठी का निशान आज भी बाकी है, घर जल गया मकान आज भी बाकी है. उंगली पर अंगूठी का निशान आज भी बाकी है, घर जल गया मकान आज भी बाकी है. अब क्या होता है, किसी अच्छी वजह से कोई झूठ बोलता है किसी भले काम के लिए तो वो अपने आप को ईमानदार मानता है. तो इस पे है कि उंगली पर अंगूठी का निशान आज भी बाकी है, घर जल गया मकान आज भी बाकी है. मैं कहता हूँ उसको कि कोई और है अब, मैं कहता हूँ उसको कि कोई और है अब, झूठ बोल रहा हूँ ईमान आज भी बाकी है. फिर क्या होता है, दो तरह के आशिक होते हैं, जो मूव ऑन कर जाते हैं तो वो पुराने तोहफे या तो वापस कर देते हैं या कहीं कोने में धूल खाते हैं. दूसरे होते हैं जो संभाल के रखते हैं. तो ऐसा है, उसने फेंक दिए तोहफे सभी, फाड़ दिए खत सारे. उसने फेंक दिए तोहफे सभी, फाड़ दिए खत सारे, पर मेरे संदूक में उसका दिया सामान आज भी बाकी है. उंगली पर अंगूठी का निशान आज भी बाकी है. सारी दुनिया से खुद को जुदा करके अकेला खड़ा हूँ यहाँ. ये होता है ना कि जब नया नया इश्क होता है तो वो एक इंसान पूरी दुनिया के बराबर लगता है, उसी में सब कुछ है. तो सारी दुनिया से खुद को जुदा करके अकेला खड़ा हूँ यहाँ, इस तन्हाई में उसकी यादों का कारवां आज भी बाकी है. उंगली पे अंगूठी का निशान आज भी बाकी है. एक और गज़ल पेश करना चाहूँगा कि ऐसी ही है कहानी. जब एक रिलेशनशिप ख़त्म होता है, चले जाते हैं साथ में जो भी योर पार्टनर, वेन एवर ही और शी लीव्स यू, तो उसके बाद में क्या होता है, पीपल ट्राई एंड मूव ऑन, सम मूव ऑन सम डोंट. लेकिन क्या होता है, कुछ भी हो यादें ज़रूर रहती हैं और याद आती है बार बार. तो उसके ऊपर है, टाइटल है इसका कि तेरी याद आना लाजमी है. तो शुरू करूँगा कि तू भले छोड़ गई हो दिल तोड़ गई हो, तू भले छोड़ गई हो दिल तोड़ गई हो, पर दर्द दिल में मीठा सा स्वाद आना लाजमी है, तेरी याद आना लाजमी है. तू थी तो तुझे खुदा बनाया, तेरी कमी खली तो खुदा को भी मनाया. तू थी तो तुझे खुदा बनाया, तेरी कमी खली तो खुदा को भी मनाया, पल पल तेरी यादों ने बहुत हंसाया बहुत रुलाया. अब ये हाल है दिल मेरी समझ से जुदा है, अब ये हाल है दिल मेरी समझ से जुदा है, सजदा किसका करूं मैं अब कि तू ही मेरा खुदा है. तो अब ये है कि जब सजदे तक बात आ जाती है, इस लेवल पे आप किसी को ले आते हैं कि उसको खुदा से कंपेयर करें, तो फिर है कि अब आदत भी तू इबादत भी तू, अब आदत भी तू इबादत भी तू, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत भी तू. अब आदत भी तू इबादत भी तू, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत भी तू. तो तेरे बाद करी हर दुआ में, तो तेरे बाद करी हर दुआ में, तेरी फरियाद आना लाजमी है, तेरी याद आना लाजमी है. फिर ये एक्सपीरियंस किया होगा बहुतों ने, या फिल्मी सीन से लगता है कि जब कोई चला जाता है तो हर किसी में उसी का चेहरा दिखाई देता है हर जगह, यू नो. तो उसके ऊपर है कि हर शख्स में तेरा अक्स दिखे, हर बात तेरे नाम पे रुके. हर शख्स में तेरा अक्स दिखे, हर बात तेरे नाम पे रुके. नींद तो मुंह मोड़ गई, अब ये पलकें बस तेरी याद में झुके. अब तो बस बाकी ये सूने दिन ये तन्हा रातें हैं, अब तो बस बाकी ये सूने दिन ये तन्हा रातें हैं, मेरी कलम की जुबान पर भी तेरी ही बातें हैं. अब तो बस बाकी ये सूने दिन ये तन्हा रातें हैं, मेरी कलम की जुबान पर भी तेरी ही बातें हैं. तो अब बेशक इसकी स्याही में तेरा संवाद आना लाजमी है, तेरी याद आना लाजमी है. संवाद मतलब एक कॉन्वर्जेशन कहेंगे तो अब बेशक इसकी स्याही में तेरा संवाद आना लाजमी है, तेरी याद आना लाजमी है. अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि यादें जब आती हैं उसका एक असर होता है बंदे पे, नया नया जो दिल टूटा होता है उसका कह लेते हैं कि तेरी यादों का असर तो देख, माँ कहती है सयाना हो गया हूँ. क्या होता है ना, घर पर बता नहीं सकते हम किसी को, वैसी सिचुएशन होती है तो चुप रहता है बंदा. तेरी यादों का असर तो देख, माँ कहती है सयाना हो गया हूँ, यार कहते हैं दीवाना हो गया हूँ. और एक गुरु है मेरा,
इश्क पढ़ाता है, और एक गुरु है मेरा इश्क पढ़ाता है, वो तो कहता है परवाना हो गया हूं। फिर तेरे आने से कायनात बदल गई थी, तेरे आने से कायनात बदल गई थी, मेरी चाल मेरी हंसी मेरी हर बात बदल गई थी। तेरे आने से कायनात बदल गई थी, मेरी चाल मेरी हंसी मेरी हर बात बदल गई थी, तो अब एक और बदलाव तेरे बाद आना लाजमी है, तेरी याद आना लाजमी है। अब क्या होता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिनको शायरी का शौक़ है या पढ़ने का शौक़ है लिखने का शौक़ है, जनरली सब लोग रिलेट करेंगे इस बात से कि ये शुरू होता है इश्क के साथ। कोई इश्क में पढ़ता है तो पढ़ना शुरू करता है, धीरे धीरे फिर कुछ लोग लिखने पे आ जाते हैं या एटलीस्ट सुनना पसंद करते हैं सब लोग। तो उसके ऊपर है कि इश्क में शायरी का शौक़ हुआ था, तेरी बेवफाई ने शायर बना दिया। इश्क में शायरी का शौक़ हुआ था, तेरी बेवफाई ने शायर बना दिया। गौर फरमाइएगा, इश्क में शायरी का शौक़ हुआ था, तेरी बेवफाई ने शायर बना दिया। अपने किए पर अफसोस मत करना, अपने किए पर अफसोस मत करना कि एक बेधड़क आशिक को तूने कायर बना दिया। इश्क में शायरी का शौक़ हुआ था, तेरी बेवफाई ने शायर बना दिया। अपने किए पर अफसोस मत करना कि एक बेधड़क आशिक को तूने कायर बना दिया। हाँ अब डरता हूँ, हाँ अब डरता हूँ किसी से नज़रें मिलाने से, कोई ख्वाब सजाने से, किसी के सामने आने से, दिल का हाल सुनाने से, कोई बात बढ़ाने से, किसी से हाथ मिलाने से, कहीं बाहर जाने से, तेरी याद के आने से, तेरी याद के आने से। पर क्या करूँ क्या करूँ, ज़्यादा बस नहीं चलता, तेरे ख्यालों से बचने का कोई हल नहीं मिलता। क्या करूँ ज़्यादा बस नहीं चलता, तेरे ख्यालों से बचने का कोई हल नहीं मिलता, तो घूम फिर कर जहन में वही ख्यालात आना लाजमी है, तेरी याद आना लाजमी है। हाँ मेरा भला चाहने वाले भी लोग हैं कई, ये वो दोस्त होते हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते, सिचुएशन कुछ भी हो, बंदी पटानी है वो आएगा साथ में, छोड़ गई उसके पास ही रोने जाएंगे। तो हाँ मेरा भला चाहने वाले भी लोग हैं कई, पर दिल में मेरे अजनबी रोग हैं कई। हाँ मेरा भला चाहने वाले भी लोग हैं कई, पर दिल में मेरे अजनबी रोग हैं कई। तो ये थी मेरे हारे हुए इश्क की कहानी, इस टूटे हुए दिल की ज़ुबानी। तो यहाँ जिस जिसने इश्क किया है, यहाँ जिस जिसने इश्क किया है, चाहे मुकम्मल या नाकाम, अब हर उस शख्स की ज़ुबान पर, अब हर उस शख्स की ज़ुबान पर एक एक दाद आना लाजमी है, तेरी याद आना लाजमी है। शुक्रिया। ये गज़ल यहीं ख़त्म होती है मेरी। बस एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हम जो लिखें, हम जिस अंदाज में या जिस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बोलें, वो हर कोई समझ पाए। तो उसके ऊपर मैंने लिखा, कुछ इस तरह अपनी अक्ल को नागवार करते हैं। नागवार का मतलब समझते होंगे आप लोग, इग्नोर करना, या कुछ इस तरह अपनी अक्ल को नागवार करते हैं कि मुझे समझने की कोशिश वो बार बार करते हैं। शुक्रिया।